इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं हूं आपके साथ नेहा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसानों को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जी हां, इसके लिए वन मंत्री विजय शाह ने बड़ी घोषणा की है। वह 3 जिलों के लिए 5 साल के रूप में तैयार कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बांस मिशन का आयोजन किया जाएगा। यह मिशन हरदा, देवास और रीवा में 5 साल के लिए तैयार किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा है कि 1 जिला 1 उत्पाद योजना में इन 3 जिलों के लिए कार्यशैली तैयार की गई है। 3 जिलों में 12,324 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसे किसान और बांस रोपण के कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने के साथ ही इन जिलों में बांस प्रसंस्करण की 11 इकाइयां भी लगाई जाएगी, जिससे किसानों को बांस के विपणन में सहयोग मिले। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि 3 जिले के किसानों को प्रोत्साहित करें। वैसे जमीन जो अनुपजाऊ है, निजी भूमि है, उस पर 5 साल के लिए 6,214 हेक्टेयर में बांस रोपण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बांस रोपण के लिए सरकार द्वारा किसानों का अनुदान भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके आर्थिक स्तर में भी वृद्धि की जाएगी। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर शुक्रिया।